नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, क्रम वाइज किस प्रकार आधुनिक भारत में अंग्रेजों के समय से लेकर अब तक किस प्रकार विकास हुआ, इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने मेन मेन पॉइंट्स बताए थे कैसे 1781 में पहली बार भारत में मदरसा खुला था, कलकत्ता में अंग्रेजों ने खोला था वारन हास्टिंग्स के समय। और फिर 10-10 साल के अंतर पर कैसे 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज संस्कृत कॉलेज हिंदू कॉलेज बाद में खुला था, बनारस संस्कृत कॉलेज खुला था, पहले ये जोनाथन डंकन ने खोला था। और 1791 के बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, जिससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था पिछले वीडियो में, फोर्ट विलियम कॉलेज खुला था। और उसके बाद 1813 में पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का बजट रखा गया था। और उसके बाद 1817 में हिंदू कॉलेज खुला था, जो कि राजा राम मोहन राय और डेविड एयर के प्रयासों से खुला था, कलकत्ता में खुला था हिंदू कॉलेज। और उसके बाद मैंने आपको 1835 के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के बारे में, चार्ल्स वुड का तो इसमें जिक्र करेंगे 1854 का, लेकिन वो लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र था 1835 का, जो कि अंग्रेजी शिक्षा का भारत में सूत्रपात की भारत में कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए और सरकारी भाषा का दर्जा दिलवाया इसने, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को। वहीं से अंग्रेजी की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक हिंदुस्तानी अंग्रेजी भाषा को ही पढ़ रहे हैं, हिंदी पर जोर नहीं दे रहे। और फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम वुड्स डिस्पैच और अंटर कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने शिक्षा के आयोग और समितियों का बारे में पूछा था कि इनका स्टडी करवाइए, तो फ्रेंड्स इनको क्रम वाइज स्टडी करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा पर पहली बार एक व्यापक योजना, ये थी चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ये थी पहली बार भारतीय शिक्षा पर, इससे पहले इतनी व्यापक योजना बनी नहीं भारत में शिक्षा को लेकर। और ये 1854 यानी 1854 से पहले इतनी बड़ी योजना नहीं बनी। 1854 में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच किस वर्ष से संबंधित है, 1854 में ये बना था, आया था, और सर चार्ल्स वुड्स इसके अध्यक्ष थे, इसी कारण इसका नाम पड़ गया चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का, वुड्स डिस्पैच 1854 को माना जाता है, क्या माना जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। और जीके स्टैटिक जीके में बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वुड्स डिस्पैच 1854 को। वुड्स डिस्पैच 1854 के सुझाव मुख्यतः किन के लिए थे, उच्च शिक्षा के लिए थे या प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए इसने कुछ भी नहीं बताया, प्राथमिक शिक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं था, उच्च शिक्षा के लिए इसने प्रावधान दिए थे। अगले देखते हैं, वुड्स डिस्पैच 1854 के मेन मेन पॉइंट्स देखते हैं, ये इसके सुझाव मेन मेन पॉइंट्स, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का सुझाव दिया इसने कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में हो, और पाश्चात्य शिक्षा सरकार का उद्देश्य, ये इसका मुख्य सुझाव था, पाश्चात्य शिक्षा पर ही भारत को थोपने पर ही जोर था शुरुआत में, शिक्षा के लिए जो भी कमेटियां वगैरह बनी उन्होंने यही सुझाव दी। और लंदन यूनिवर्सिटी की तरह भारत में भी कॉलेज खोले जाएं, जिस तरह लंदन में यूनिवर्सिटी है और भारत में कॉलेज खुले भी 1857 में, आपको पता होगा 3 शहरों में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का सबसे पहले इसी ने कहा था। तो फ्रेंड्स, वुड्स डिस्पैच ने सुझाव तो दे दिया था माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का, सबसे पहले भारत में सुझाव दे दिया गया था, सबसे पहले किसने दिया था, वुड्स डिस्पैच ने, लेकिन इस पर कार्य नहीं हो पाया था इस पर, कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने पर कार्य नहीं हो पाया था। इसके बाद दोबारा से अंटर कमीशन ने इस पर समीक्षा की, तो उसने दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट किया। और फ्रेंड्स, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के और आगे से इस चैनल पर जो भी वीडियो होगा उसकी PDF के लिए दूसरे चैनल पर आप जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, उस चैनल पर जाओ तो मैंने क्यूज कॉन्टेस्ट, साइकोलॉजी का क्यूज कॉन्टेस्ट एक शुरू करूँगा, उससे रिलेटेड, उसके रूल से रिलेटेड एक वीडियो है, उसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर देकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से उन रूल्स को देख लीजिए और उनमें जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसका सही जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन आसान सा किया है, प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की, ये पूछ रखा है मैंने।
तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन आपके लिए, फोर्ट विलियम कॉलेज किन की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया? तो ये किन की स्पेशल किन के लिए स्थापित किया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थापित किया गया था, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो फ्रेंड्स इसका जवाब जल्दी से आप दे दीजिए। 1800 में स्थापित हुआ था, लॉर्ड वेल्सली ने स्थापित करवाया था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फ्रेंड्स इनको ऊपर से थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा में पहली बार एक व्यापक योजना चार्ल्स वुड डिस्पैच है, और वुड्स डिस्पैच किस वर्ष से संबंधित, 1854 से संबंधित, और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और वुड्स डिस्पैच 1854 के सुझाव मुख्यतः, यदि आपसे पूछ ले तो उच्च शिक्षा के लिए मुख्य रूप से सुझाव थे इसके, और उसके बाद इसके मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले कॉलेज कहाँ पर खोले गए वुड्स डिस्पैच के सुझाव पर 1857 ईस्वी में? ये खोले गए थे कलकत्ता, बंबई, मद्रास। 1857 की क्रांति भी हुई थी इसी साल कलकत्ता। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में इनमें से किस शहर में विश्वविद्यालय नहीं खुला? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली। दिल्ली में नहीं खुला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड्स डिस्पैच के कार्यों की समीक्षा के हेतु बनाया गया कमीशन कौन सा है? हंटर कमीशन यानी हंटर शिक्षा आयोग, ये बनाया गया था इसके कार्यों की समीक्षा के लिए। 1882 में ये बनाया गया था, 1854 में वुड्स डिस्पैच बना था उसकी समीक्षा के लिए, लगभग 28 साल के बाद उसकी समीक्षा के लिए। और हंटर कमीशन अगला क्वेश्चन कर ही लिया है, कब बना था, 1882 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये हंटर कमीशन, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं इनके बारे में। हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? W.W. हंटर थे इसके अध्यक्ष। और ये इम्पोर्टेंट किस लिए है देखिए आप, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का सुझाव किसने दिया? सबसे पहले इसी ने दिया था भारत में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का सुझाव, हंटर कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग 1882 में। इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसने सबसे पहले स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था, हंटर कमीशन ने दिया था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बना रखा है मैंने। और हंटर कमिश्नर ने किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का सुझाव दिया? व्यावसायिक शिक्षा का सुझाव तो उसने भी, वुड्स डिस्पैच ने भी 1854 में दे दिया था, लेकिन तब क्या था उसको, उस पर गौर नहीं किया गया, बस सुझाव ही रह गया था वो। लेकिन यहाँ पर इसने जोर दिया है इस पर कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको एक तो उच्च शिक्षा के लिए अलग छांट लो उन बच्चों को, और व्यवसाय वाले बच्चों को जो व्यवसायिक शिक्षा पाना चाहते हैं उनको अलग छांट दो, दो पार्ट्स में बांट दिया इन बच्चों को। और फ्रेंड्स ये मॉडर्न फिलहाल व्यवसायिक शिक्षा पर जोर देते हैं, तो ये यहीं से शुरू हुआ है, हंटर कमीशन से ही इसकी शुरुआत हुई है, हंटर शिक्षा आयोग से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हंटर शिक्षा आयोग। अगला क्वेश्चन ये मैंने आपको बता ही दिया, 1857 में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर किसने स्थापित करवाया था? ये लॉर्ड वेल्सली ने। और किन के लिए स्थापित करवाया था, ये मैंने आपसे कमेंट्स किए, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। और अगले, और फ्रेंड्स एक और मेन पॉइंट है हंटर शिक्षा आयोग से संबंधित, हंटर कमीशन से संबंधित एक और मेन पॉइंट ये है कि इसने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों का स्वागत हो ये सुझाव दिया था, निजी प्रयासों यानी आज जो आप प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ देख रहे हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ इसकी शुरुआत यहीं से हुई 1882 के अंटर शिक्षा आयोग से, ये मेन पॉइंट है इसका, ये उनमें छूट गया था शिक्षा में निजी प्रयासों का स्वागत हो। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे वारन हेस्टिंग्स के बारे में पूछा था कि भारत के पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे वारन हेस्टिंग्स, ये सही जवाब है इसका। और एक और पूछा था मैंने आपसे, एक और क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बताऊंगा, फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा था मैंने कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। और इस सबसे पहले मैसेज आया रमेश कोटड़ का, राजगढ़ चूरू राजस्थान से, इन्होंने सही जवाब दिया है, सही जवाब, इन्होंने वीडियो की प्रशंसा की है, रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है कविता धनखड़, इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है कविता धनखड़ ने। उसके बाद है ज्ञानेंद्र सिंह, इन्होंने सही जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद कलकत्ता यानी फोर्ट विलियम कॉलेज वाले क्वेश्चन का सही जवाब दिया है कविता धनखड़ ने। उसके बाद है रेखा राजपूत, इन्होंने सही जवाब दिया है
वॉरेन एस्टिंग्स और फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव, ये गवर्नर थे, ओनली गवर्नर थे, ये गवर्नर जनरल नहीं थे रॉबर्ट क्लाइव। तो अपना डाउट क्लियर कर लें इनसे संबंधित। और उसके बाद हैं विकास गुप्ता हैं, फिर हैं आकाश भगत, उसके बाद हैं रॉक टू, इसके बाद हैं अर्चना वर्मा, फिर हैं दीपक माली, फिर हैं दीपक का ही मैसेज है, फिर हैं महक कुमारी, इनका मैसेज है, फिर हैं कन्हैया लाल, इन्होंने सही जवाब दिया है, उसके बाद हैं अतुल कंबोज, फिर हैं अतुल कंबोज का ही मैसेज, इसके बाद देवेंद्र तिवारी का मैसेज है, फिर सतीश कुमार पाल का मैसेज है, फिर प्रदीप शर्मा, फिर प्रदीप शर्मा हैं, फिर हैं अनु सांवरिया, फिर हैं अनु सांवरिया इनका मैसेज है, फिर हैं प्रदीप कुमार, फिर हैं किम सिंह, फिर हैं प्रदीप कुमार, इसके बाद हैं किम सिंह। और फ्रेंड्स केवीएस नॉर्थ ईस्ट के जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे थे, वो बहुत से मेरे चैनल पर जो तैयारी कर रहे थे वो पास हुए हैं, तो उनके नाम भी मुझे याद हैं सभी के, उनके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, अकीम सिंह, फिर हैं लवकुश चिल्लर, फिर हैं मोनिका शुक्ला, फिर हैं समीर ठाकरे, इन्होंने सही जवाब दिया है, फिर हैं लता कुमारी, फिर हैं मंजू बसेन ने, इन्होंने सही जवाब दिया है, फिर हैं रन रन्नू सिंह, फिर हैं राजविंद्र कौर।